ओ हुजूर, आप गोल्डन वॉइस कंपटीशन में गाना गाने गए थे, लेकिन वहाँ भी आपको मिला क्या? ये सड़े हुए टमाटर। इमा बस करो। तुम दोनों को ये कैसे हो गया? इस कंपटीशन में भी गुरु ने आपको हरा दिया और गुरु की आवाज में आज गाना रिकॉर्ड होगा और हर रेडियो में बजेगा। और हमारे हुजूर का तो सिर्फ बैंड ही बजता रहेगा। ये चुप करो। गुरु गोल्डन वॉइस कंपटीशन तो जीत गया, लेकिन एमजे गुरु का गाना रिकॉर्ड नहीं होने देगा। एमजे के प्लान से गुरु हमेशा के लिए गाना ही छोड़ देगा। ओ हुजूर, हमें भी बताओ आपका फ्लॉप प्लान। ये देखो। ओ हुजूर, ये तो छोटा सुरताल नगर है। सही कहा, ये है सुरताल नगर का 3D मॉडल, जिसे मैं अलबत्ता के मकान से लाया हूँ। लेकिन इससे होगा क्या हुजूर? इस नकलची मॉडल के साथ हम जो जो करेंगे, वो चीज सच में सुरताल नगर में सच में होगी। देखो ऐसे, ये तोड़ के फेंका, ये उठा के जोड़ा। ओ हुजूर, ये सुरताल नगर का 3D मॉडल तो वाकई में कमाल का है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो सुरताल नगर को भी नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक, अब सुरताल नगर के इस 3D मॉडल से होगी गुरु के संगीत की टिशुम टिशुम या पुशअप्स। वाह गुरु वाह, शाम के गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रियाज कर लेता हूँ। गुरु, गोल्डन वॉइस कंपटीशन जीतने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए। अरे बांगड़ू, तू मुझे मीठे के बजाय अपनी ही फोटो क्यों खिला रहा है रे? गुरु आप ही तो कहते हो कि मैं बहुत ही स्वीट हूँ, इसीलिए मैंने आपको मेरी फोटो खिला दी। अरे मेरे भोले, तेरा दिल भी तेरे दिमाग की तरह एकदम साफ है रे। चल अब मुझे करने दे थोड़ा रियाज। रे गा अभी इनका पूरा घर हिलाता हूँ, इसके सुर को बेसुरा बनाता हूँ। देखिए आपके गाने से सब कुछ हिलने लगा। ये लेफ्ट राइट। भूकंप भूकंप, टॉमी मेजर के साथ बाहर भागेगा। बाहर भागना शुरू कर। लेफ्ट भाग, राइट भाग, लेफ्ट भाग, राइट भाग। याहू! मेजर साहब, गुरु ने भूकंप वाला राग लगाया है, इसलिए घर पर भूकंप आया है। एमजे बांगड़ू, उल्टा सीधा मत बोल रहे तू। देख फिर से वही राग गाता हूँ। अरे बांगड़ू, सच में मेरे गाने से सब कुछ हिल कर गिर गया है और बन गई हमारी चटनी। यहाँ तो मेजर के घर की लेफ्ट से और राइट से भी बन गई है चटनी। मेजर साहब चिंता मत करो, मैं अभी चिपकू राग गाकर सब कुछ वापस पहले जैसा चिपका देता हूँ। ये पिचाक, मेजर के घर का हुआ बुरा हाल, मेरे गाने से घर चिपक जाए, हो जाए कमाल। इस घर को फिर से गम से चिपका देते हैं।
एमजे ने सच में सुरों को लेफ्ट राइट किया और घर को जोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है मेजर साहब? ये जरूर कोई होगा कोइंसिडेंस। और कोई दुर्घटना नहीं चाहता मैं अपने घर में। गुरु लेफ्ट राइट करके बाहर जाएगा और प्रैक्टिस शुरू करेगा। प्रैक्टिस शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। गुरु हम यहाँ अंधेरी गुफा में क्या करेंगे? अरे बांगड़ू तू करेगा आराम और मैं करूँगा रियाज। मेरा गाना रिकॉर्ड करने वाले बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। उससे पहले खत्म करता हूँ अपना रियाज। डिशम डिशम गुरु के गाने की करता हूँ फाइनल। डिशम डिशम याबशा ये गुफा उड़कर यहाँ कैसे आ गई? देखो 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 गुरु के गाने की वजह से इतनी बड़ी गुफा यहाँ आकर गिरी है। मामा मिया गुरु के सुरीले सुरों ने हम सबको उसके पास खींच लिया। सुरीला सुर लगा रहा है कौन? वो देखो गुरु। और मजा किन्हें आ रहा है? हमारे कानों को। ये देखो गुरु के इन सुरों ने मेरा जीना बेसुरा कर रखा था, लेकिन अब सुरताल नगर में एक ही गायक बचेगा और वो है एमजे। गुरु तुमने आग लगा दी, राग छेड़ दिया, इससे सब जगह आग लग जाएगी। देखो आग लगनी शुरू हो गई। मारो फूट। अरे ये शोर कैसा रे? हम यहाँ कैसे आ गए रे? अरे ये आग कैसे लग गई रे? ये सब क्या हो गया रे भोले? अरे बांगड़ू ये गुफा यहाँ कैसे पहुँच गई रे? गुरु लगता है गुफा को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए यहाँ इतनी रोशनी में आई है। मामा मिया अरे नहीं, गुरु के गाने ने तो आग लगा दिया, भागो। अरे मेरे भोले तू अगरबत्ती क्यों लाया रे? गुरु घर में माचिस खत्म हो गई है और यहाँ तो होलसेल में आग लगी है, तो उसी से अगरबत्ती जला लेता हूँ। सब लोग लेफ्ट से और राइट से पानी डालकर आग बुझाएंगे। आग बुझाना शुरू कर। मैं अब फूंक मार राग गाकर ये आग बुझाता हूँ। अब इस मुई आग को कैसे बुझाएंगे? फूंक मार के, जैसे बर्थडे केक पर लगी हुई कैंडल को फूंक मार कर बुझाते हैं, उसी तरह फूंक मार के। आज तो कमाल का रोल रिवर्सल होली। हाँ, आज गुरु एमजे की तरह प्रॉब्लम पैदा
गुरु लेफ्ट से और राइट से सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज गाना बंद करो। क्या मामा मिया, देखो तुम्हारे गाने ने क्या क्या डैमेज कर दिया। हाँ हाँ गाना बंद करो। गुरु के सिर्फ अलाप लगाने से हो गया है क्या? वो देखो पूरा गाना गाएगा तो सुल्तान नगर हो जाएगा क्या? ये देखो राख। यकीन नहीं हो रहा है, सच में मेरे गाना गाने से हो रहा है नुकसान? इस सुल्तान नगर की भलाई के लिए गुरु कसम खाता है कि वो तब तक गाना नहीं गाएगा जब तक सुल्तान नगर वाले उसे गाने को नहीं कहते। और आज से मेरा बैंड बजना बंद। आज गुरु भोले बन गए हैं विलन और मैं बन गया हूँ हीरो। एमजी, हमारी फूड वैन के सामने का रास्ता गाकर बड़ा कर ली ताकि हम अपने कस्टमर्स और भी बढ़ा ली। मैं अभी चौड़ा कर राग लगाकर रास्ता चौड़ा करता हूँ। चौड़ा हमारा घर सबसे कोने में है, वो देखो उसे ले आओ भाई कहीं सेंटर में। घर ले आओ, आओ अरे अरे क्या कर रहे हो, रास्ते के बीच में नहीं बाकी घरों के बगल में रखना है, वहाँ वो देखो। अभी लो बगल में बगल। देख बांगड़ू, कभी हमारा गाना आता था सबके काम लेकिन अब उसी गाने पर लगी है लगाम। गुरु लेकिन वो गाना रिकॉर्ड करने वाले तो आते ही होंगे, गाना गाएगा कौन? पता नहीं। तुम में से गुरु कौन है जो छा गया और कन्नू मालिक उसका गाना रिकॉर्ड करने आ गया? मैं यहाँ हूँ। चलो चलो गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अरे वाह, देखना तेरा गाना आग लगा देगा। आग? गुरु का गाना ऑलरेडी आग लगा चुका है। अरे तू तो स्टार सिंगर है, हे मैकरेना सबके होश। अरे भाई साहब मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मेरे गाने से सुल्तान नगर वालों को नुकसान होगा। तो कौन गाना रिकॉर्ड कर सकता है, कौन लगा सकता है आग? मैं कोशिश करता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। इतना बेसुरा सिंगर आज तक नहीं देखा मैंने, इससे अच्छी आवाज तो गधे की है, गधे की। लेकिन गुरु तू तो है स्टार, तो गाना क्यों नहीं गा रहा है यार? मैंने कसम खाई है कि सुल्तान नगर वाले जब तक मुझे गाने को नहीं कहेंगे मैं नहीं गाऊंगा। गुरु के गानों ने हमें हर बार मुश्किलों से बचाया है, हम भी उसके एक गाने के लिए झेल लेंगे तकलीफ। मामा मिया, गुरु तुम गाती, जो होता वो देखा जाती। गुरु गाओ, 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 गुरु गाओ। ठीक है दोस्तों, तुम लोग कहते हो तो गाता हूँ। कम ऑन कम ऑन, आग लगा दे यार। एमजे, गुरु के सिंगिंग करियर को उड़ने से पहले ही यह खचाक क्रैश कर देगा। या
अरे बांगड़ू, मैं नहीं गा पाऊंगा। देखो आखिरी मौका है, सोच लो। सुरताल नगर से बाहर मैं निकला तो समझो मौका भी निकल गया गाना रिकॉर्ड करने का तुम्हारे हाथों से। सोचो। गुरु को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब इस नकलची मॉडल का किया कराया है। मम्मी, नकलची मॉडल बहुत खतरनाक होती, इसमें जो करती वही सब रियल में सुरताल नगर के साथ होती। यानी इसी ने उड़ाए थे सबके होश और मेरे गाने का कुछ नहीं था दोष। बहुत लेट पता चला है तुम्हें ये राज गुरु, क्योंकि तुम्हारा गाना अब कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ए कट करो। नहीं छोड़ेंगे। गुरु, आपके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो स्टोर रूम में हैं, अब आप गाना कैसे गाओगे? अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से म्यूजिक बजाऊंगा बांगड़ू, ये देख। तक दिन धितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। 3D मॉडल सुरताल नगर का। ओ डेंजर 3D मॉडल करे नकल। करने दे रिकॉर्डिंग ये ना करे दखल। डेंजर 3D मॉडल करे नकल। करने दे रिकॉर्डिंग ये ना करे दखल। बनना चाहूँ मैं एक सिंगर प्रोफेशनल, MJ पर जाता हमेशा मुझसे जल। करी जो MJ ने है गड़बड़, ओ करी जो MJ ने है गड़बड़, जल्दी उसको ठीक कर। हो कभी कभी आता है ऐसा मौका, MJ की करतूत से वो है चूका। कभी कभी आता है ऐसा मौका, MJ की करतूत से वो है चूका। कन्नू जी को ले तू पकड़, चले ना जाए शहर से बाहर। डेंजर 3D मॉडल करे नकल। करने दे रिकॉर्डिंग ये ना करे दखल। अरे रे रे डेंजर 3D मॉडल करे नकल। करने दे रिकॉर्डिंग ये ना करे दखल। इसका मतलब तुम गाना रिकॉर्ड करने के लिए रेडी? देखना तो धूम मचा देगा धूम। अब सुनिए मेरी रिकॉर्डिंग। वाह, आग लगा दी तूने गुरु, क्या गाया है, गाकर धूम मचाया है। कल से हर रेडियो में यही गाना बजेगा। मम्मी भोले, तुमने भी इस नकलची मॉडल को बचाकर कमाल कर दिया। हम सब ने गाने से रोका किसको? ऊ देखो सुनहरी आवाज वाले गुरु को, इसलिए अब सॉरी कहेंगे कौन? ई देखो हम सब सॉरी। हम हमेशा लगाते हैं सच्चाई के सुर, इसे सुनकर बेसुरी बुराई हो जाती है फुर्र।